भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेले गए पहले टी20 मुकाबले में विराट कोहली और रोहित शर्मा के बीच DRS लेने को लेकर एक लंबी बातचीत हुई और स्टंप माइक की वजह से ये पूरी बातचीत फैंस को भी सुनने को मिली। दरअसल ये पूरा मामला वेस्टइंडीज की पारी के 8वें ओवर का है, जब रवि बिश्नोई की बॉल पर रस्टन चेज के खिलाफ कॉट बिहाइंड की अपील की गई, हालांकि एम्पायर ने इसे वाइड बॉल करार दिया। इसके बाद कप्तान रोहित शर्मा बाकी के खिलाड़ियों से रिव्यू लेने के लिए सलाह ले रहे थे, इतने में विराट कोहली वहां पर पहुंच गए और विराट कोहली को ये कहते हुए सुना गया कि दो दो आवाज आई है, मैं बोल रहा हूं तो रिव्यू ले ले। विराट कोहली के इतना कहते ही रोहित शर्मा उनसे सहमत हो गए और उन्होंने तुरंत रिव्यू ले लिया। वहीं टीवी रिप्ले में देखा गया कि बॉल रस्टन चेज के पैड पर लगने के बाद विकेट कीपर के हाथ में गई है, जिस वजह से बल्लेबाज को आउट नहीं दिया गया। लेकिन विराट कोहली और रोहित शर्मा के बीच की मजेदार वीडियो अब सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है।